हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल मेथी मटर मलाई। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद भी हम रेस्टोरेंट के जैसे ही घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए तो इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए आधा बंच मेथी लिए, उसे अच्छे से धो के इस तरह से काट लिया, बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा बाउल मटर लिए, फ्रेश मटर है। एक बाउल फ्रेश मलाई ली है। यहाँ पे एक टमाटर को मैंने इस तरह से टुकड़े में काट लिया है। कुछ लहसुन की कलियाँ ली है और एक आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज बारीक चॉप कर लिया है और एक हरी मिर्च को मैंने इस तरह से लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टमाटर, अदरक और लहसुन का बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। अब चलिए इसे बनाने की स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। अब मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा अच्छे से लाल हो चुका है, अब इसमें हम प्याज को डाल देंगे। हम हरी मिर्च को डाल देंगे। आप चाहे तो तेल के अंदर डायरेक्टली डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम इसमें डालेंगे। अब थोड़ा प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैं टमाटो प्यूरी को डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। देखिए इसका तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम मटर को डाल देंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मेथी को डाल देंगे। आप चाहे तो सेपरेट मेथी को अच्छे से पका के भी ले सकते हैं, थोड़ा सा तेल में ऐसे फ्राई करके या फिर रोस्ट करके अलग से रख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसे इसमें बनाऊंगी। मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारे यहाँ पे मेथी अच्छे से पक चुकी है और मटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम मलाई को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने मलाई को फेंट लिया अच्छे से और इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जितनी गाढ़ी बनानी उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बनाऊंगी, इसे ज़्यादा पतली नहीं बनाऊंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मलाई अच्छे से पक जाए। तो देखिए हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे यहाँ मेथी मटर मलाई बनके तैयार है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी झटपट मेथी मटर मलाई बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इस पर हम थोड़ा सा और मलाई डेकोरेशन के लिए डालेंगे। देखिए हमारी यहाँ पे मेथी मटर मलाई बनके तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट है, रेस्टोरेंट की जैसा इसका स्वाद है। घर पर झट से बना सकते हैं।
जब भी मेहमान आए तो इसे आप इस तरह से झट से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।